दिखाए जाते हैं जो कि अपनी मदर को कब्र में दफना रहे होते हैं। उनमें एक भाई का नाम ओविन था। जब वो लोग अपनी मदर को दफना रहे होते हैं तब वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। असल में वो कार उस जगह पर आकर खराब हो गई थी। उस कार में एक कपल बैठा था जिसमें लड़की का नाम था सेलेस्ट। सेलेस्ट का हस्बैंड बाहर जाकर कार को चेक करता है। जो कुछ उनके साथ वहाँ पर होने वाला था उन्होंने कभी भी उसकी उम्मीद नहीं की होगी। ओविन का भाई पीछे से आकर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो पकड़ लेता है सेलेस्ट को और उसे अपने साथ कहीं पर ले जाता है। उन दोनों भाइयों की शक्लों को देख कर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं है। असल में वो दोनों भाई कैनिबल है जो वहाँ पर आने वाले लोगों को अपने ट्रैप में फंसा कर उन्हें पकड़ लेते हैं और बाद में उन इंसानों को खा लेते हैं। लेकिन वो सिर्फ मर्दों को खाते हैं, औरतों को नहीं खाते, क्योंकि फीमेल्स के लिए उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया हुआ था। सेलेस्ट के हस्बैंड को वो काट चुके थे लेकिन सेलेस्ट को उन्होंने बांधा हुआ था। इसके बाद हमें काफी महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन भाइयों ने सेलेस्ट को अभी तक किसी जानवर की तरह कैद करके रखा हुआ है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि आखिर वो औरतों को कैप्चर क्यों करते हैं और उन्हें क्यों नहीं मारते। सेलेस्ट असल में प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए वो उसके जरिए अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए वो मेल्स को खा लेते हैं और औरतों को कैद करके रखते हैं उनसे नस्ल बढ़ाने के लिए। और वहीं पर हम किसी डरावने इंसान की आवाज़ भी सुन पाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ और भी था जो काफी अजीब था। इसके बाद हमें फिर से एक कार दिखाई जाती है जो बिल्कुल उसी जगह पर खराब हो जाती है। उस कार में टोटल चार लोग थे जो कि आपस में फ्रेंड्स थे। उनमें एक लड़की का नाम होता है टेलर और दूसरी लड़की का नाम होता है जैना। अब वहाँ पर हेल्प के लिए कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए जैना का फ्रेंड सीधा चलना शुरू कर देता है ये सोचकर कि शायद आगे जाकर उन्हें कोई गैस स्टेशन मिल जाए। जैना का फ्रेंड बिल्कुल अकेला जा रहा था इसीलिए टेलर भी उसके साथ ही चली जाती है। फिर काफी देर चलने के बाद टेलर और उसका फ्रेंड एक गैस स्टेशन पर पहुंच ही जाते हैं। उस गैस स्टेशन में उन लोगों को ओविन मिलता है जिसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी हेल्प के लिए यहाँ पर आया है। ओविन उनके लिए एक फुल ट्रक मंगवा लेता है लेकिन वो लोग अब ओविन की नजर में आ चुके थे और ओविन भी ये बात सोच चुका था कि अब वो इन लोगों के साथ क्या करेगा। दूसरी तरफ हम जैना और उसके फ्रेंड को एक साथ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी वायर्स बिछाई गई हैं लेकिन वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन असल में ये वायर्स एक ट्रैप की तरह लगाई गई थी। वो वायर्स बिल्कुल एक अलार्म की तरह ही काम कर रही थी। उन वायर्स की वजह से उन भाइयों को पता चल जाता है कि कोई उनके एरिया में आया है। जैना और उसका फ्रेंड रिलैक्स होकर अपनी कार में बैठे होते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि उन भाइयों में से एक है, ओविन का भाई है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। इसीलिए वो लोग वहाँ पर रुक कर वेट करने की बजाय चले जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक पिक्चर मिलती है जो कि उन लोगों की ही थी। वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई तो ऐसा है जो उन पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ हम टेलर और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जिन्हें टो ट्रक का वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी लेकिन अभी तक कोई टो ट्रक उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर नहीं आया। इसीलिए टेलर वहाँ से चली जाती है। वो अपने फ्रेंड को कहती है कि जब तुम्हें टो ट्रक मिल जाए तो मुझे रास्ते में से तुम पिक कर लेना। अब क्योंकि वहाँ पर टेलर का फ्रेंड अकेला रह गया था इसीलिए ओविन उसे काफी आसानी से मार सकता था। ओविन टेलर के फ्रेंड से हेल्प मांगता है और इस बहाने वो टेलर के फ्रेंड को बेहोश कर देता है। टेलर उस अकेले जंगल में काफी डर रही होती है इसीलिए वो वापस उन भाइयों के गैस स्टेशन पर ही आ जाती है और यहाँ पर ओविन उसे भी पकड़ लेता है। ओविन ने टेलर के फ्रेंड को अच्छी तरीके से बांध दिया था और वो टेलर को भी अच्छी तरह से पैक करके अपने साथ ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ जैना और उसका फ्रेंड और आगे बढ़ते जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक और पिक्चर मिल जाती है जो कि उनके फ्रेंड्स की थी और उस पिक्चर को देखकर उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। अभी वो लोग पिक्चर को देख ही रहे होते हैं कि तभी ओविन का भाई वहाँ पर आ जाता है जो कि बिल्कुल पागल था। जैना तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है लेकिन उसका फ्रेंड वहाँ से भाग नहीं पाता और ओविन का भाई जैना के फ्रेंड को पकड़ लेता है। भागते भागते जैना एक घर के सामने आ जाती है जिसे देखकर जैना को थोड़ी तसल्ली हो जाती है लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि वो घर भी किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का था। इससे पहले कि जैना उस घर में जाती उसके सामने से एक गाड़ी गुजरती है लेकिन उन लोगों की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी क्योंकि उस गाड़ी में कोई और नहीं था बल्कि ओविन था जो कि टेलर को अपने साथ ले जा रहा था। और अब तो ओविन को जैना भी मिल जाती है और वो उसे भी अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचते ही जैना जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है। वहां पर जैना को बहुत सारी पिक्चर्स भी देखने को मिलती हैं जो कि किसी और की नहीं बल्कि विक्टिम्स की थी। यहां पर जैना को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। फिर उन दोनों फीमेल फ्रेंड्स यानी टेलर और जैना को बांध दिया जाता है। तभी उनके सामने उनके मेल फ्रेंड को लाया जाता है और ओविन का भाई उन दोनों फ्रेंड्स की आंखों के सामने उनके फ्रेंड की गर्दन मरोड़ कर उसे मार डालता है। टेलर और जैना के सामने उनके फ्रेंड को मारने का
मकसद ये था ताकि वो उन्हें ये बात समझा सके कि भागना अच्छी ऑप्शन नहीं है। फिर ओविन अगले शिकार के लिए गैस स्टेशन पर चला जाता है, जबकि ओविन का भाई पीछे से उनके फ्रेंड को काटने लगता है। तो वो दोनों लड़कियां एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे की हेल्प करते हुए आजाद हो जाती है। उन लड़कियों को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें कहां पर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक हो सकता है। इसी वजह से वो उसी जगह पर चली जाती है जहां पर उनकी कार खराब हुई थी। इतनी ही देर में वहां पर वो टो ट्रक वाला भी आ जाता है। वो एक बूढ़ा आदमी था। टेलर और जैना उस बूढ़े आदमी को वो सब कुछ बता देती है जो उनके साथ हुआ। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी जल्दी से उन लड़कियों को वहां से लेकर चला जाता है। शूट कर देता है और जान से मार डालता है। जैना के मरते ही ये मूवी यहीं पर एंड।